नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सो दोस्तों एक हफ्ते से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था बिकॉज बेसिकली आई वाज ट्रैवलिंग फर्स्ट मैं पहले ट्रैवल कर रहा था एंड उसके बाद मुझे थोड़े बहुत जो बैचेस मेरे बचे हुए थे मुझे उसे कंप्लीट करने थे एंड मेरी कुछ क्लासेस थी लाइव क्लासेस जो मैं पढ़ा रहा था बच्चों को मुझे वो भी कंप्लीट करना था सो बेसिकली ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था और थोड़ा बहुत मैं अपने पर्सनल काम से बिजी था बट येस आई एम अवेलेबल नाउ एंड मैं अभी फ्री हूँ सो डेली वीडियो अपलोड होंगी uh, इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर एंड uh, मैं कोशिश करूँगा कि दिन में दो वीडियोज़ भी अपलोड करूँ और भी ज़्यादा नॉलेजबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी जाए ऑन अ डेली बेसिस सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट दिस आर फर्स्ट सेशन ऑन दिसंबर ठीक है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुत टाइम हो गया हमने मार्केट के बारे में बात नहीं करी है सो लेट जस्ट टॉक अबाउट द मार्केट मार्केट किस तरीके से चल रही है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट जो भी चल रही है वो बिल्कुल बुलिश है ठीक है हम एक दिन करेक्शन देखते हैं मतलब मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर जाती है तो 50 पॉइंट की करेक्शन देखते हैं फिर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जा रही है सो बेसिकली मार्केट इज राइट नाउ इन अ बुलिश फॉर्म ठीक है बट व्हाट वी आर होपिंग आप सब लोग यही होप कर रहे होंगे uh, बहुत ज्यादातर लोग होप कर रहे होंगे जब भी एक कैंडल में फॉल आता है फॉर एग्जाम्पल जब भी एक बियरिश कैंडल हमें दिखती है सो वी जनरली थिंक दैट कि मार्केट अब यहां से नीचे गिरने वाली है अब करेक्शन स्टार्ट हुई है बट अगले दिन ही हम लोग क्या देखते हैं कि गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद भी हम लोग उससे भी ज्यादा ऊपर एक रैली को देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप आज का दिन भी आप देख सकते हैं ठीक है तो बेसिकली मार्केट पे हो क्या रहा है मार्केट इज इन द बुलिश फॉर्म हायर हाइज हायर लॉज बना रही है बेसिक कंसेप्ट है पता होगा हायर हाइज हायर लॉज बना रही है एंड उसकी वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है ठीक है अगर हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करते हैं एंड उसके बेसिस पे एक रिवर्सल टारगेट फाइंड करने के लिए सोचते हैं मतलब एक रिवर्सल पॉइंट कहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स रिवर्स कर सकता है सो so, उसका जो टारगेट आ रहा है अराउंड आ रहा है ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स फिफ्टी के आसपास का येस गाइज ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स फिफ्टी के आसपास तक का टारगेट आ रहा है मतलब वहाँ पर एक रिवर्सल पॉइंट दिख रहा है वाई बिकॉज लेट मी टेल यू देखिए अभी मार्केट आर मेकिंग न्यू हाइस ठीक है कंटिन्यूसली निफ्टी इज मेकिंग न्यू हाइज सो हम टारगेट्स कैसे फाइंड करेंगे ठीक है सो टारगेट फाइंड करने के लिए वी यूज फेबोनाची एक्सटेंशन एक्सटेंशन से आप मतलब चल गया होगा कि वो एक एक्सटेंटेड पॉइंट्स बता देती है हमें कि वहां से हमें एक रिवर्सल्स पता चल जाते हैं सो डोंट वरी जो हम निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करेंगे देन विल गो एंड सी कि उसका क्या रेशियोज आ रहा है ठीक है ये बेसिकली सिमिलर टू फेबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ठीक है सो मार्केट राइट नाउ इज इन बुलिश फॉर्म आप कोई भी स्टॉक्स देखो जो कि सारे स्टॉक्स की मैं बात नहीं कर रहा जो स्टॉक्स एक्चुअल में अच्छे हैं आप क्या देखते हो एक शार्प रैली आ रही है एक चार पांच दिन के अंदर दस दस पंद्रह परसेंट की मूव दे रहा है उसके बाद एक फॉल आ रहा है दो दिन का फॉल आ रहा है तीन दिन का फॉल आ रहा है ऑलमोस्ट अपनी मूवमेंट का जितना उसने मूवमेंट को कैप्चर करा उस पूरी मूवमेंट का थर्टी परसेंट गिर रहा है बट उसके बाद जब वहां से मूव करना स्टार्ट करता है जब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू ठीक है मार्केट चार पांच दिन से बुलिश है स्टॉक बुलिश है मार्केट जब नीचे आई तो स्टॉक थोड़े बहुत करेक्ट गिर गए एंड थिंक दैट अब स्टॉक से नीचे आएगा ठीक है बट जब मार्केट एक अगले दिन अच्छी मूवमेंट देती है जो ये तीन दिन का करेक्शन आया होता है स्टॉक के अंदर वो एक ही दिन में पूरा हो जाता है दैट वी कॉल्ड अ बेस्ट स्टॉक टू बाय ठीक है सो आप लोग अभी देख रहे हैं जनरली बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप लोग बाय कर रहे होंगे फॉर अ स्विंग ट्रेड आई एम नॉट इन से इंट्रोडे Saying for a swing trade, अगर आप लोग बहुत सारे स्टॉक्स बाय कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉफिट दिख रहा होगा बट अगर आप लोग कुछ पैटर्न और अपनी स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ठीक है सो so, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है ठीक है ओवरऑल माई पोर्टफोलियो इज लुकिंग वेरी गुड आई स्टॉक्स टूडे आई बाइड ऑलमोस्ट टेन टू ट्वेल्व स्टॉक्स टूडे ठीक है मैं उसके लिए भी कल एक वीडियो बनाने वाला हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ फॉर अ स्टॉक्स टू बाय फॉर अ शॉर्ट टर्म बेसिकली थ्री टू सिक्स मंथ्स और किस तरीके से मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ और क्या मेरा ट्रेडिंग प्लान है मतलब मेरा ट्रेडिंग प्लान फॉर अ इन्वेस्टमेंट प्लान मेरी क्या है? होती है ठीक है वो सारी चीज़ें कल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ सो प्लीज स्टे यू डो ऑन माई दिस चैनल फर्स्ट शिवान बसीन एंड इट्स माई नेम एज वेल सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टॉक इज स्ट्राइट फार्मा जिसे हम स्टार भी कहते हैं सिंबल है इसका नाम ठीक है uh, आप यहां देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मैंने चार्ट ओपन करा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं यस yes. सो so, आप बेसिकली देख पा रहे होंगे क्लियर आप लोगों को विजिबल होगा एंड आप देखिएगा इस पर्टिकुलर जो ब्लू कलर का एक जोन बना है इस पर्टिकुलर जोन को हम लोग क्या कहते हैं डिमांड जोन ठीक है इस पर्टिकुलर जोन को वी कॉल इट डिमांड जोन सॉरी By mistake, ठीक है इट्स जोन को हम लोग क्या कहते हैं सप्लाई जोन वाई वी कॉल इट सप्लाई जोन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक जब भी आता है इस छोटी सी रेंज के अंदर आप इसे एक रेंज कह सकते हैं इस रेंज के अंदर जब भी स्टॉक एंटर करता है और उसको टेस्ट करता है वी सी एस सेल ऑफ ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पर सेल ऑफ आ चुका है सेकेंड टाइम आया थर्ड टाइम आया फोर्थ टाइम आया मल्टीपल टाइम सेल ऑफ आया इवेंचुअली उस पर्टिकुलर सेल ऑफ को उस पर्टिकुलर सप्लाई जोन को उसने ब्रेक करा ठीक है सो so, उस सप्लाई जोन को जस्ट लेट मी मेक इट क्लियर हेयर या ना मेक अनदर जोन ठीक है याज यू कैन सी इट हेयर ये सप्लाई जोन है क्योंकि बार बार स्टॉक को रीटेस्ट कर रहा है वहां से स्टॉक नीचे आ जाता है इवेंचुअली इधर आप देख सकते हैं स्टॉक को ब्रेक करा ब्रेक करने के बाद एक बार रीटेस्ट करा उसी रेंज को जो पहले उसके लिए एक सप्लाई जोन होता था रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको ब्रेक करा रीटेस्ट करा एंड दोबारा वो अपवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर गया ठीक है एंड जो ब्रेकआउट कैंडल थी ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेक कैंडल थी उसके ऊपर जाके उसने अपनी क्लोजिंग दी है दैट्स अ गुड सिग्नल ठीक है सो जो ये सप्लाई जोन थी जो ये सप्लाई जोन थी इट्स बेसिकली बिकम नाउ डिमांड जोन हाउ इट बिकम डिमांड जोन बिकॉज ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर इसने सपोर्ट लिया ठीक है यहां सपोर्ट लिया उसके बाद ऊपर गया तो सप्लाई को वी कैन कॉल इट रेजिस्टेंस एज वेल ठीक है और डिमांड को हम लोग सपोर्ट भी कह सकते हैं ठीक है सो so, ये स्टॉक हमारे लिए बाय बनता है राइट नाउट ट्रेडिंग एट सेवन नाइनटी नाइन एंड राउंड फिगर अगर हम लोग मान के चले ग्राउंड नंबर सो एट एट हंड्रेड के ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर सो लेट्स वेट देखते हैं कि किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म करता है लेवल्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे सो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जिस गो एंड क्लिक इट एंड आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं बेसिकली हम लोग डेली न्यू अपडेट्स और लाइव uh, पोस्ट डाल रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है सो so, आप वहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं सो गाइज नेक्स्ट स्टॉक इज ल्यूपिन, ये फार्मा भी मेरे पोर्टफोलियो में है बेसिकली टुडे आई आल्सो बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड ल्यूपिन भी मेरे होल्डिंग्स uh, में है आप देख सकते हैं बेसिकली एज यू कैन सी इट हेअर जस्ट लेट मी मेक दिस चार्टेगा जस्ट आई कैन ओ इफ आई ओपन अर्ली चार्ट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली ठीक है या अब आप यहां देख सकते हैं कि बेसिकली आप लोगों को क्या लग रहा है यहां पर यह एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर काम कर रहा था ठीक है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर काम कर रहा था एंड इवेंचुअली इसने रेंज का एक ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आ गया तो इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को हम लोग कहेंगे फॉल्स ब्रेकआउट ठीक है बट इसके लिए भी एक कन्फर्मेशन की जरूरत होती है कभी भी एक चैनल को ब्रेक करता है तो वी हैव टू वेट फॉर अ कन्फर्मेशन वो कन्फर्मेशन कैसे आती है वो कन्फर्मेशन बेसिकली आती है कि एक कैंडल जो ब्रेकआउट देती है उसके ऊपर सेकेंड कैंडल क्लोज होनी चाहिए जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल है इसके ऊपर एक सेकेंड कैंडल क्लोज होनी चाहिए या फिर क्या कर सकते हैं या फिर हम लोग कर सकते हैं कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल है वो अगर दोबारा रीटेस्ट करती है नेक्स्ट कैंडल और वहां से रिवर्स करती है देन वी कैन गो फॉर अ बाय ठीक है, बट यहां क्या हुआ स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आते रहा कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद यहां पर भी यही हुआ, ठीक है? अपनी ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर चला गया, ठीक है? है, ये 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 के ऊपर इस वाली पे निकला सो यस वी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड इवेंचुअली गेव अ गुड ब्रेकआउट ठीक है और अगर मैं इसका डेली चार्ट ओपन करता हूं तो यस yes, Uh, अभी भी हमारे लिए बाय बनता है एक बढ़िया लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है एंड अच्छा खासा नीचे आ चुका है सो यस वी कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 933 934 एंड यस वी कैन बाय इट अबव 935.5 फॉर अ टारगेट ऑफ 941 945 ठीक है सो आई प्रोवाइड यू द लेवल्स बाइंग लेवल्स एंट्री लेवल इन टेलीग्राम सो जस्ट फॉलो मी देयर ठीक है नेक्स्ट स्टॉक इज अजंता फार्मा ऑल्सो ऑन माई लिस्ट आई एम बाइ टूडे दिस पर्टिकुलर स्टॉक ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टॉक कैसा है सिंपल देखिए सिंपल अनालिस है नथिंग uh, यहाँ पर डिफिकल्टी है क्योंकि मैं ऐसे पैटर्नस को फाइंड कर रहा हूँ मैं सिर्फ दो चीज़ों को यूज कर रहा हूँ ज्यादातर ट्रेंड लाइन्स को ठीक है एंड सेकेंड थिंग जोन्स को सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ठीक है ये देख सकते हैं ये डिमांड एंड सप्लाई जोन्स हैं जो अभी आपको फर्स्ट में एक्सप्लेन रहा था एंड बेसिकली ट्रेडलाइंस आप देख सकते हैं हाइस को टेस्ट करते हुए वी मेड अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट्स को टेस्ट करते हुए जो भी कैंडल्स की लोस को होती है उसको मिला के हम लोगों ने एक बनाया सपोर्ट की ट्रेंड लाइन सो बेसिकली हमें क्या पता चला इट्स ट्रेडिंग इन अ चैनल ठीक है एक चैनल के अंदर ये काम कर रहा है एंड चैनल पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये इसके लिए एक डिमांड का काम कर रहा है जब भी इस लेवल पे ये री एंटर करता है वी सी अ बाय मूवमेंट इधर भी हम लोगों ने सी अ बाय मूवमेंट आप इधर भी देख सकते हैं बाय मूवमेंट स्टार्ट हो गई है ठीक है सो एवेंचुअली क्या कर रहा है ये जो अपर रेजिस्टेंस लाइन है ये इसी को जाके फॉलो कर रहा है एंड उसी को टेस्ट करके ये दोबारा नीचे आ जाता है ठीक है अब आप देखिएगा कि ये लाइन इधर है एंड प्रोबली ऑलमोस्ट सिक्सटीन थर्टी सिक्सटीन फोर्टी तक जा सकता है ठीक है और भी हायर लेवल्स मुझे देखने को इसमें मिल सकते हैं एट अ मैटर ऑफ टाइम और ये मेरे पोर्टफोलियो मतलब मेरे शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में भी है मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा ठीक है सो वट यू कैन सी राइटर्स रेडिंग एट फिफ्टीन नाइनटी फाइव अगर ये सिक्सटीन हंड्रेड को क्रॉस करता है इवेंचुअली यहाँ पर आपको बीस से तीस रुपए की मूवमेंट मिल सकती है सो डोंट वरी आई एल प्रोवाइड यू द लेवल्स हियर ऑल्सो ठीक है सो दिस मूव टू आर नेक्स्ट टॉक विच इज बी ई एम एल ऑल्सो ऑन माई लिस्ट ठीक है सेकेंड ये एज यू कैन सी इट हेयर अ शार्प मूवमेंट एंड उसके बाद ट्रेडिंग इन अ रेंज ठीक है ट्रेडिंग इन अ रेंज एंड इट गेव अ ब्रेकआउट हेयर ये देख रहे हैं इधर इसने ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद वी डिडेंट बाय बिकॉज आप देख सकते हैं ये जो लेवल है ये से हमने बताया था आप लोगों को वी कॉल इट सप्लाई जोन एंड आप देख सकते हैं यार सप्लाई था सो वी वेट फॉर दिस पर्टिकुलर आप देख सकते हैं मल्टीपल विक के रिजेक्शन मिले हम लोगों को and eventually it close above that level okay today so we bought this particular beml at uh, first i bought at uh, 738 around here then i average it at 720 722 and then again i bought it uh, more quantities at 740 okay

सो हे इज द भारतीय एयरटेल चार्ट एंड प्रोबेबली आई बॉटेड एट नाइन सॉरी फोर थर्ट एट्टी नाइन के आसपास मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करा है एंड एज यू कैन सी इट हियर जस्ट वेट अ सेकेंड इस्ट आई मेक दिस पर्टिकुलर लेवल सो एज यू कैन सी इट हियर इट्स फॉर्मिंग अ पैटर्न कॉल्ड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ठीक है इट्स फॉर्म अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन एंड इट गेव अ ब्रेकआउट सो वी बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड मुझे लगता है कि इसके अच्छे खासे टारगेट्स आ सकते हैं 500 अगर ये क्रॉस करता है एंड सस्टेन कर लेता है सो बेसिकली मुझे आराम से 550 और 570 तक के टारगेट्स आराम से मिल सकते हैं विद इन वन मंथ सो आई एम बाय आई ऑलरेडी बॉट द स्टॉक एंड यू कैन ऑल्सो बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक ठीक है आई एल प्रोवाइड लेवल्स ए सो नाउ कम टू निफ्टी सो निफ्टी का एक बार मैं चार्ट बता देता हूं ऑलरेडी टोल्ड यू कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है जब मुझे बस एक चीज बतानी है, है, है ये राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है ऑलवेज ब्रेक न्यूज ब्रेक दियर प्रीवियस हाइस अपने प्रीवियस हाइस को भी ब्रेक कर रहा है जो इसके सपोर्ट्स हैं जो इसके सपोर्ट्स आप देख सकते हैं जो लोज हैं उन लोस को ब्रेक नहीं कर रहा और इवेंचुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है इसके लोस। सो एज यू कैन सी इट्स मेकिंग हायर हायर एंड लोस एंड एक शार्प मूवमेंट एक ट्रैनल सो बेसिकली ये जो चैनल है ये जो एक फ्लैग पैटर्न है इट्स फ्लैग पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं uh, जो मेरा कोर्स था जिस कोर्स में मैंने पढ़ा रखा उस फ्लैग पैटर्न को हम लोग कहते हैं लेस रिलायबल पैटर्न ठीक है, इट्स लेस रिलायबल फ्लैग पैटर्न सो कभी भी अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है सो इवेंचुअली वी कैन सी की मतलब प्रॉबली सेवेंटी परसेंट तक ये होता है कि यहां पर ये फेल हो जाता है फॉल्स ब्रेकआउट आता है एंड वी सी अ ड्रॉप ठीक है सो लेट्स नॉट वेट अ मोर टाइम लेट्स गो टू मंथली चार्ट ठीक है एज यू कैन सी इट हेयर आप यहां देख सकते हैं जस्ट टू वेट अ सेकेंड ये हमारा हाई था ठीक है ये हमारा प्रीवियस हाई था एंड ये प्रीवियस हाई के बाद ये हमारा बॉटम था ठीक है सो ब्रेकआउट दे चुका है न्यू हाईस पे न्यू हाईस कंटिन्यूसली बना रहा है सो वी हैव टू फाइंड द टारगेट एज वेल ठीक है सो हम लोगों ने यहां से लेके अपने टॉप से लेके बॉटम तक एक फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करा सो वी फाइंड द टारगेट टू इज 1.272 का रेशियो विच कम एट 13,680 लेवल्स यस इट कम्स एट 13,680 लेवल सो प्रोबेबली निफ्टी कैन गो अप टू दैट लेवल सो लेट जस्ट वेट एंड होप कि निफ्टी वहां तक जाता है मेरे लिए सेलिंग बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए बाइंग है बिकॉज बजट भी आ रहा है एंड यू कैन सी आप प्रीवियस डाटास को जाके चेक कर सकते हैं निफ्टी के कि दिसंबर जनवरी तक मार्केट बुलिश रहती है ठीक है गाइस सो कभी भी करेक्शन आए मार्केट के अंदर डिप आए यू गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर मार्केट मार्केट आप लोगों को बहुत बढ़िया रिटर्न देगी ठीक है कल आप लोगों को होल्डिंग्स मैं अपनी बता दूंगा आप लोग भी स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं जब भी वो लेवल्स आएंगे या अगर आपको थोड़ा नीचे मिल जाए सो गाइस आज यही थी वीडियो पे बाय बाय